हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं वो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या रैखिक समीकरण दो चर राशियों के साथ। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण वो समीकरण है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जहां की एक्स और वाई दो चर राशियां हैं और ए बी सी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां की ए और बी जीरो नहीं होता है। आपने क्लास नाइन्थ में लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना सीखा है, उसी में आगे हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो तीन तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं हमारे ग्राफ के थ्रू या लीनियर इक्वेशंस में, तो हम ग्राफ देखकर कैसे बताएं कि किस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो हम देखेंगे। अगर हमें ग्राफ, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि उसके हमेशा लाइन के फॉर्म में मिलता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो दो लाइंस मिल रही हैं, अगर वो दो लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है और कंसिस्टेंट होता है। यानी कि दो लाइंस का जब इक्वेशन, दो इक्वेशंस का जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो अद्वितीय होता है, मींस एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। जबकि अगर हमारी दोनों लाइंस, दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, इसका मतलब वो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेदित नहीं हो रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि उन दो इक्वेशंस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और बाकी तीसरा कंडीशन है जब हमारे दोनों ही लाइंस एक दूसरे पर पड़े, दोनों ही लाइंस का ग्राफ एक ही लाइन के फॉर्म में मिले, उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि असंख्य सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ देखकर हम कैसे बताएं कि किस टाइप का सॉल्यूशन उन दो समीकरणों का पॉसिबल है, रैखिक समीकरण का। अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में देखें तो एल्जेब्रिक फॉर्म में देखने पे हमें पता चल जाएगा कि अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू है, अगर दो समीकरण हैं उनके जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो कोफिशियंट हैं, गुणांक हैं, उनका रेशियो अगर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा और उसका सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई यानी कि कोई एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, मिलेगा, हल मिलेगा हमें। और अलजेब्रिक फॉर्म में मतलब देखकर इस फॉर्म में हमेशा इक्वेशन होगा, अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू हो बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो, तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जो तीसरा है कंडीशन, उसमें क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, यानी कि तीनों ही गुणांकों का, यानी कि तीनों ही जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनका रेशियो तीनों का इक्वल होगा, तो उस केस में हमें ऐसा मिलेगा लाइन और ग्राफ में, और हम ये कह सकते हैं कि इसके असंख्य सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है
ग्राफ के ऊपर। तो आपको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर भी हम एक बारी उसको रिवाइज करेंगे, बताएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, मान लेते हैं हमारा इक्वेशन है x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले टेबल बनाते थे, x की डिफरेंट वैल्यू लेते थे और उस पर y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखें अगर, तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमारा x मान लीजिए 2 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x हमारा माइनस 2 है तो y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक, तो इससे हमें पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। फिर यहां से दूसरा टेबल लेंगे तो हमें दूसरे का मिल जाएगा, यानी कि यहां से हमें मिला अगर देखें तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12, y इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2x प्लस 6, 12 बाय 2 हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, या हम कहें 6 माइनस 3 बाय 2x। तो वहां से हम वैल्यूज ऐसी ले लें ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। अगर x को हम 2 0 ले रहे हैं तो ये पार्ट 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई हमारी 6। अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 से कट जाएगा, तो 6 माइनस 3 3 बचा। x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो यहां से 0 आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे रफ में। तो ये तो हमें मिल गई दो टेबल, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। पहले वाले इक्वेशन से हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा हमें, 0, 1। तो 0 यानी कि x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पे पॉइंट होता है, तो मान लीजिए ये हो गया 0, 1 मिल गया। फिर 2, 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो कहीं यहाँ मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कायदे से अच्छे से मिल जाएगा पॉइंट। -2, -1, -2 हमारा इस साइड आएगा तो -2, -1 समवेयर इक्वल दिया। जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का। ठीक, इसी तरह से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे 0, 6, मान लीजिए यहाँ आ गया। फिर 2, 3 हमारा यही पॉइंट मिल जाएगा। फिर 4, 0 यानी कि 4, 0 कहीं यहाँ आएगा, तो ये लाइन लगभग ऐसे जाएगी। तो ये दोनों, ये 2, 3 पे देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट है, यानी कि दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हमें पता चल गया कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु 2, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है,
यूनिक है, मतलब एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है इसका, जो कि 2.3 है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, इससे पता चलता है कि x की वैल्यू हमारी, आपको पता है कि पहली वैल्यू x की होती है अब्सिसा और दूसरी ऑर्डिनेट, तो y की वैल्यू 3 है। तो बिना सॉल्व किए सिर्फ ग्राफ से हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड पहली एक्सरसाइज आपकी ग्राफ पे बेस्ड है, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज ये एग्जांपल है। इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे और टेबल से पॉइंट्स दो या तीन पॉइंट्स ले लेंगे, एक्स की वैल्यू अज्यूम करेंगे, वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी करेंगे, टेबल बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है उन दो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर मान लीजिए दोनों ही लाइंस के लिए केवल एक ही लाइन मिले, तो उस केस में उसके कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल से समझ लें। एग्जाम्पल नंबर टू, मान लीजिए हमारा समीकरण है 3x minus y equals to 2 और 9x minus 3y is equals to 6। तो यहां से आपका मिल गया y is equals to 3x plus 2 और यहां से मिल गया 3y is equals to 9x plus 6 या y is equals to 3x plus 2। सेम इक्वेशंस मिल गए, इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू लेने पे हमें सेम लाइन मिलेंगी। अगर 0 लेते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 है, अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 है, अगर 2 लेते हैं तो 8 है। ठीक, 3 to the 6 plus 2 8। उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा 0.2 0.2 1.5, मान लीजिए 1.5 है, दो लाइंस को मिलाएंगे 2.8, तो कहीं पर 2.8 मिल जाएगा। ठीक, तो इससे ये पता चलता है हमें इन दोनों ही लाइंस के लिए हमको सेम लाइन मिलेगी। सेम लाइन मिलने का मतलब ये है कि इसका हर पॉइंट पे, इसका हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों ही लाइंस इसके असंख्य सॉल्यूशंस हैं, असंख्य सॉल्यूशन है। 0.2 भी है, 1.5 भी है, 2.8 भी है, जो भी वैल्यू लेंगे वो सारे ही इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हैं, उसको हम दे देंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर कल हम बताएंगे कि एल्जेब्रिक तरीके से कैसे उसको हम सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक, थैंक यू।